वेलकम बैक इन लास्ट सेशन वी लर्न अबाउट फिल्टर फंक्शन अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस फिल्टर फंक्शन फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फिल्टर वोवेल्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग सो हम एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेंगे बाई यूजिंग इनपुट फंक्शन सो मैं इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से इनपुट लेता हूँ बाय गिविंग प्रॉम्प्ट एंटर द स्ट्रिंग सो ये प्रॉम्प्ट यूज़र के सामने डिस्प्ले होगा जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू को देन मैं असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल एस टी आर वन चलिए मैं प्रिंट करके देखता हूँ एस टी आर वन को टू चेक इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट रन करने पर यू कैन सी द स्ट्रिंग एंटर द स्ट्रिंग इसे बोला जाता है प्रॉम्प्ट इनपुट फंक्शन में जो भी आप कोड्स के अंदर लिखते हैं वो होता है प्रॉम्प्ट जो यूजर के सामने डिस्प्ले होगा देन मैं वैल्यू एंटर करता हूँ शंतनु विच इज़ अ स्ट्रिंग एंटर करने पर शंतनु गॉट प्रिंटेड यस टी आर वन में शंतनु वैल्यू को असाइन किया गया एंड देन यस टी आर वन को प्रिंट करने पर हमें शंतनु प्रिंट करके मिला एक बार इसका डेटा टाइप भी चेक करके देखते हैं बाय यूजिंग टाइप फंक्शन टाइप ऑफ यस टी आर वन एंड वी गॉट यस टी आर सो जो भी डेटा इनपुट से आता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है रिमेंबर दिस थिंग बट इनस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट मुझे सैंपल इनपुट ही चाहिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ शंतनु देन बाद में हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाएंगे सो so अभी के लिए दिस इज़ माय सैंपल इनपुट चलिए मैं फिल्टर फंक्शन को कॉल करता हूँ फिल्टर फंक्शन में हमें दो आर्गूमेंट्स पास करने हैं फर्स्ट वन इज लॉजिक एंड सेकेंड वन इज़ इटरेबल दैट इज कलेक्शन कलेक्शन है यहाँ पे यश टी आर वन इट इज़ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सो ये भी एक इटरेबल होता है इस इटरेबल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक एक कैरेक्टर पिक किया जाएगा फ्रॉम दिस एस टी आर वन एंड पास किया जाएगा इन द फंक्शन प्रेजेंट हियर सो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा लेट्स क्रिएट फंक्शन एल से वॉविल्स एंड एक एक कैरेक्टर एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा इन टू दिस फंक्शन मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ सी एच विच विल होल्ड द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर सबसे पहले इसमें यस आएगा देन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो भी कैरेक्टर आया है क्या वो वॉवेल है या नहीं अगर होता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे लेकिन मेरे प्रोग्राम को एंड पाइथन को ये नहीं पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से कौन से वॉवल्स होते हैं ये हमें प्रोग्राम को बताना पड़ेगा ये बताने के लिए मैं अभी पास लिख देता हूँ इट इज़ लाइक अ प्लेस होल्डर इसका मीनिंग होता है कि मैं कोड फ्यूचर में लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं वॉवल्स एक लिस्ट एंड इसमें ए ई आई ओ एंड यू दिस कैरेक्टर्स आर वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अब जो भी कैरेक्टर आया है मैं यहां पे लिखूंगा कैरेक्टर इन सो इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो चेक करता है कि कैरेक्टर वॉवल्स में प्रेजेंट है या नहीं सबसे पहला कैरेक्टर आ गया यस मैं चेक करूंगा कि यस इसमें प्रेजेंट है या नहीं अगर प्रेजेंट होता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा सो इफ कैरेक्टर इन वॉवल्स आई रिटर्न ट्रू अगर नहीं होता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स लेकिन हमें पता है कि ये लिखना ऑप्शनल है बिकॉज बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न होता है नन का मीनिंग फॉल्स ही होता है सो so, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इफ कैरेक्टर इन वॉवेल्स कैरेक्टर इस लिस्ट में प्रेजेंट है तो वो वॉवेल है इसके लिए हम रिटर्न कर देंगे ट्रू उसे सिलेक्ट किया जाएगा सो so चलिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन लिस्ट में टाइप कास्ट करके प्रिंट कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं चलिए मैं रन करता हूँ रन करने पर एरर मिल गया अर्गुमेंट ऑफ टाइप फंक्शन इज नॉट इटरेबल अब यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने फंक्शन का नेम एंड लिस्ट का नेम सेम ही रख दिया सो हियर इट इज सेइंग सेगुमेंट ऑफ टाइप फंक्शन इज नॉट इटरेबल सो ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सो व्हाट आई विल डू आई विल से दिस इज वोवेल्स लिस्ट एंड दिस इज फंक्शन अब फिर से क्लियर करके मैं रन करता हूँ फिर से सेम एरर क्योंकि यहां पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा एंड नाउ क्लियर करके मैं रन करता हूँ आई गॉट ए ए एंड यू। विल सी हियर ए ए एंड यू दीज आर थ्री वॉवल्स प्रेजेंट हियर सपोज मैं ओ ऐड कर देता हूँ टी के बाद फिर से रन करता हूँ आई गोट ए ओ ए एंड यू अब चलिए लैमडा एक्सप्रेशन का यूज यहाँ पे करते हैं इसके लिए मुझे लैमडा एक्सप्रेशन लिखना है लैमडा कीवर्ड आर्गुमेंट कैरेक्टर एंड देन आई जस्ट कॉपी दिस कंडीशन एंड ये कंडीशन मैं यहाँ पे रख देता हूँ दैट्स इट क्योंकि ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स में इवेल्यूएट होगी जब कैरेक्टर वॉवल्स लिस्ट में होगा तो ये ट्रू होगी नहीं होगा तो ये फॉल्स होगी सो वी कैन राइट दिस लैमडा एक्सप्रेशन हियर डायरेक्टली अब हमें ये नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है एंड क्लियर करके मैं रन करता हूँ वी गॉट सेम आउटपुट अब तक हमने फ़िल्टर फंक्शन के एग्जाम्पल्स में लिस्ट का स्ट्रिंग का यूज़ किया है चलिए अब डिक्शनरी का यूज़ करके देखते हैं सो दिस इज़ एग्ज़ाम्पल टू फिल्टर स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू नाइन्टी सो जिन स्टूडेंट्स को ग्रेटर दैन और इक्वल टू नाइन्टी मार्क्स है उनके नेम्स एक लिस्ट में आने चाहिए सो फाइनली आउटपुट में एक लिस्ट होगा एंड दिस लिस्ट कंटेंस नेम्स ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले राहुल होगा बिकॉज ही हैज़ नाइन्टी एट मार्क्स देन राज विथ नाइन्टी वन मार्क्स एंड देन अमर विथ नाइन्टी मार्क्स अभी को एंड नितेश को एक्सक्लूड किया जाएगा रिमूव किया जाएगा दे डोंट बिलोंग टू टॉपर्स लिस्ट कंसिडर सो मुझे एक टॉपर्स लिस्ट बनानी है एंड टॉपर्स लिस्ट का क्राइटेरिया है नाइन्टी और ग्रेटर देन नाइन्टी मार्क्स होने चाहिए सो दिस इज़ द डेटा आई हैव डेटा बिग हो सकता है लेकिन चलिए इसके ऊपर अब काम करते हैं मैं फिल्टर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ कीप इट सिंपल सेकेंड आर्गूमेंट डेटा पास कर देना है डिक्शनरी एंड देन हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है कंटेनिंग अवर लॉजिक अब यहाँ पे जब आप डिक्शनरी का यूज करते हैं तब एक एक की को पास किया जाएगा टू द लॉजिक फंक्शन रिमेंबर दिस थिंग एक एक की को यहाँ पे की वैल्यू पेयर को पास नहीं किया जाएगा इंस्टीड जस्ट की को पास किया जाएगा सो so, फर्स्ट जाएगा नितेश देन राहुल के साथ कॉल होगा देन राज के साथ कॉल होगा सो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे डेफ एंड एल से टॉपर्स एंड इस टॉपर्स में एक पैरामीटर क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट सो इस स्टूडेंट में स्टूडेंट नेम्स आएंगे सबसे पहला की नितेश वैल्यू नहीं आएगा देन सेकेंड की राहुल देन राज एंड सो ऑन सो वी गॉट एवरी की इन दिस पैरामीटर स्टूडेंट हमें यह पता लगाना है कि उस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है तो आप डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते कुछ इस तरीके से सो so अभी के लिए मैं क्या कर देता हूं इसे कमेंट कर देता हूं एंड चलिए मैं राहुल के मार्क्स प्रिंट करता हूं सो डेटा डिक्शनरी कुछ इस तरीके से एक्सेस किया जाता है देन स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डिक्शनरी को इंडेक्स पोजीशन नहीं होता है सो so इसकी पोजीशन ज़ीरो वन ऐसा कुछ नहीं होता है डायरेक्टली आपको की मेंशन कर देना है राहुल राहुल के मुझे मार्क्स चाहिए एंड इसके लिए मुझे राहुल के मार्क्स मिल जाएंगे प्रिंट डेटा ऑफ राहुल रन करने के बाद आई गॉट नाइन्टी एट सिंपल कुछ इस तरीके से वैल्यू आप गेट कर सकते हैं फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग द की अब ना हो यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करूँगा चेक लगाऊंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइन्टी एंटर करता हूं एंड इस केस में मुझे ट्रू मिल गया अगर मैं राहुल की जगह पर अभी लिख देता हूं अभी के मार्क्स 81 है एंड इस केस में मुझे फॉल्स मिल जाएगा सो so, ये आप एज अ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन सो मैं इसे कट करता हूं एंड फंक्शन बनाता हूं ऑलरेडी क्रिएटेड टॉपर्स एंड यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं ये सो so, जब 90 से ग्रेटर देन मार्क्स आएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू उस केस में ट्रू रिटर्न होगा अगर वैल्यू सपोज 78 आता है 78 सो दिस विल बी लाइक दिस 78 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स सो so, हमें नितीश के लिए मिल गया फॉल्स नितेश को एक्सक्लूड किया जाएगा रिमूव किया जाएगा दैट्स इट सो ये जो टॉपर फंक्शन है मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ एंड देन असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टॉपर स्टूडेंट्स एंड देन प्रिंट करता हूँ टॉपर स्टूडेंट्स को लेकिन प्रिंट करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा इसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा इन टू द लिस्ट क्योंकि हमें आउटपुट में एज ए लिस्ट चाहिए एंड वी गॉट एम्प्टी लिस्ट हिर एंड द रीजन इज यहां पर हमने हार्ड कोड करके रखा है सो वी हैव टू राइट द स्टूडेंट हियर सो एक एक स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा एंड वी गॉट अ लीस्ट राहुल राज एंड अमर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल सी यू नेक्स्ट टाइम